तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस, ये हमारा मेथी का खेत है। ये देखिए, हमने इतने दूरी में मेथी लगाया हुआ है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है गाइस। ये देखिए, हमारी मेथी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है गाइस। और मैं इधर आपको दिखा दूँ, इधर हमने बैंगन लगाया हुआ है और इधर शिमला मिर्च भी हमने लगाया हुआ है गाइस, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है गाइस। देखिए, ये हमारा आलू की ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। इस आलू के खेत को गाइस 2 महीने हो चुके हैं। गाइस, उधर हमने गन्ना लगाया है, इधर भी हमने गन्ना लगा दिया है गाइस। और हमने बीच में ये देखिए, हमने देसी मटर की खेती की है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस, ये हमारा मटर है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है गाइस। ये हमारा हमारे चाचा का आलू का खेत है गाइस, इसलिए इसकी देखिए बहुत ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हो गई हैं गाइस हमारे आलू की। इसमें कोई फंगस अटैक नहीं हुआ है गाइस, बहुत अच्छा आलू हुआ है गाइस। लेकिन गाइस, जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो आलू की खेती में हमें बचाव करना पड़ता है, क्योंकि अगर पाला मार देता है गाइस, जो कोहरा वाला ठंडी गिरता है, कुहैसा जिसे कहते हैं गाइस, वो अगर हमारे आलू के पत्तियों पर ज़्यादा ही गिरता है तो हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं आलू के। इसलिए गाइस, पाले से बचने के लिए हमें आलू में लगातार राख छोड़ना चाहिए, जो लकड़ी का राख होता है या कंडे का राख होता है गाइस। या फिर अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है तो आप मार्केट से कोई दवा लाकर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी आलू रुक जाएगा ख़राब होने से गाइस। पाला पड़ने से आलू की पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे सूखने लगते, यही इनका पहचान होता है। इसलिए ज़्यादा ठंडी से हमें आलू को बचाना चाहिए। अब गाइस आइए, मैं आपको अपना आलू का खेत दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम खेत है गाइस, इसलिए हमने बहुत कम खेत में आलू लगाया हुआ है। ये देखिए गाइस, ये हमारा आलू का खेत है। गाइस, ये हमारा लाल आलू है। गाइस, ये हमारा लाल आलू है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये 1 महीने का प्लांट हो चुका है गाइस, लेकिन थोड़ा सीड खराब होने की वजह से गाइस आलू ज़्यादा जमाव नहीं हो पाया, क्योंकि सीड हमारा बहुत ख़राब हो चुका था। ये देखिए, यहाँ बीच में नहीं जमा हुआ है गाइस आलू का, लेकिन फिलहाल जो हुआ है गाइस बहुत अच्छी जमा हुई है। और इधर हमारे चिल्ली के प्लांट को आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा प्लांट है। ये शिमला मिर्च का प्लांट है गाइस, ये देखिए। इधर बैंगन भी हमने लगाया हुआ है गाइस। ये हमारी मटर है गाइस, इतने दूर में हमने मटर लगाया। ये हमारा पंप है गाइस, इसी से हम लोग खेत सींचते हैं। इसका तार बोर्ड में लगा कर लाइट से हम अपना खेत सींचते हैं, पानी देते हैं। देखिए, हमारा ये देसी मटर है, बहुत अच्छी इसकी भी ग्रोथ हुई है गाइस। देखिए, और
गाइस मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा, ये देखिए हमने रेड ऑनियन का बेहन डाला है यानी प्याज का बेहन, बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। ये देखिए आपको दिख रहे हैं सारे अंकुरण हो चुके हैं आखे प्याज का, बहुत अच्छा अंकुरण हुआ है गाइस। ये देखिए बहुत अच्छा अंकुरण हुआ है प्याज का हमारे, ये हाइब्रिड प्याज के सीड्स थे। प्याज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसीलिए हम इसे लगाते हैं। तो गाइस प्याज की बेहन डालने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट से सीड लाना पड़ता है। मार्केट से सीड लाइए आप, 24 घंटा उसे भिगो दीजिए। 24 घंटा भीगने के बाद गाइस आपको जिस खेत में जिस कोहे में डालना है उसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के एक हेंगा से बराबर से उसे हेंगा दीजिए गाइस। उसके बाद सीड के छिड़काव कर दीजिए। उसके दूसरे दिन गाइस आप राख का छिड़काव कर सकते हैं या किसी दवा का छिड़काव, हमारे पास राख है तो हमने राख का छिड़काव किया है गाइस। ये हमारा लहसुन का खेत है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है गाइस, हमें खुशी है हमारा लहसुन बहुत बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। देखिए चलते हैं अपने आलू के खेत में, अपने चाचा के आलू के खेत में। तो हम फिर से आ चुके हैं अपने चाचा के आलू के खेत में, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इस आलू की। उधर देखिए बीच में इनका भी आलू का जमाव नहीं हुआ है, आपको जहाँ बोरा दिख रहा है वहाँ इनका आलू का जमाव कम हुआ है, और बाकी इधर तो बराबर से आलू का जमाव हो चुका है गाइस, बहुत अच्छी जमाव हो रही है इनकी आलू की। लेकिन उधर गाइस उधर भी बहुत अच्छी जमाव हुई है। ये प्लांट गाइस आज ये प्लांट 40 दिन का हो चुका है गाइस। अभी गाइस हमें इसमें पानी चलाना पड़ेगा, इसके बाद गाइस आलू की खुदाई होती है जनवरी फरवरी में इसकी खुदाई होती है गाइस। देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है हमारे आलू का। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस, मुझे भी एक यूट्यूबर बनना है, आप लोग जल्दी सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी बन जाऊँ गाइस।